उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। शिमला के रिंस मैदान पर पिछले लंबे समय से घोड़ों से अपनी रोजी चलाने वालों को अब घोड़ों की लीद उठाने के लिए कमेटी ने उनसे 1,25,000 वसूलने का फैसला लिया है, या फिर अपने लोगों को लीद उठाने के लिए इनको रखना होगा। इनका कहना है, कमिश्नर आशीष कोहली ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया और कहा, यदि पैसे नहीं दे सकते तो अपने लोग रखने पड़ेंगे। ऐसे में घोड़े कारोबारियों का कहना है कि पहले ही काम नहीं चल रहा है, रोज 200 से 300 रुपए ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं, उसमें हम घोड़ों को खिलाएं, खुद खाएं या परिवार को देखें। घोड़ों के पंजीकरण का पैसा भी 350 से बढ़कर 500 कर दिया गया है, हम उसको नहीं दे पा रहे हैं, ये पैसा कहां से देंगे। कमेटी का कहना है कि दो लोग स्पेशल घोड़ों की लीद उठाने के लिए रखा गया है, कमेटी उन्हें सैलरी नहीं दे सकती। घोड़ा कारोबारियों का कहना है, कोरोना के बाद से तो स्थिति बेहद खराब है, लॉकडाउन के चलते भी नोफल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी रिपन ने उनकी सहायता की है, जिन्होंने घोड़ों के चारों से लेकर परिवार के खाने तक पूरा खर्चा उठाया है। परिचय के साथ, मेरा नाम मुस्ताक है। हम मेरे को तकरीबन 25-26 साल घोड़े का काम करते हो गए हैं। रिज के ऊपर पहले मेरे फादर करते थे, जो एक्सपायर हो गए हैं। तो कमिश्नर साहब ने हमारे को बुलाया था कि अपने बंदे जो है लीड उठाने के लिए किए जाएं, और जो है हमने जो है आपके लिए जो है रोज़गार दिया है। बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है, बेरोज़गार नहीं है। तो रोज़गार की बनती है उत्तर भाई, आप अपने बंदे भी रखें, आप 10 कमाएं, 20 कमाएं, 50 कमाएं, हम आपको नहीं पूछेंगे। तो लीड के लिए आप दो बंदे रखें, चाहे एक बंदा रखो चाहे चार बंदे रखो, और अपने आपने ही बंदे रखने हैं और आपने ही पेमेंट करनी है। इससे पहले भी क्या आप लोगों ने रखे थे बंदे की? नहीं सर, इससे पहले हमने कोई बंदा नहीं रखा है आज तक। कमेटी के ही मुलाजिम थे हमारे पास, सरकारी जो हैं, सरकार के ही अंडर जो हमारे घोड़े चलते हैं, तो इनके बंदे थे, इनके बंदे हमारी लीड उठाते थे। तो अब जो है नया प्रोसेस हो गया लॉकडाउन के बाद, जो है नया प्रोसेस हो गया। पहले ही भाई जी, तो सर हम 4 महीने कमरे मेरे, तो आप हमारी बोला हेल्प करेंगे, फलाना करेंगे, तो हमारे कागज़ कुगज लिए, कोई हेल्प नहीं, पैसे डालेंगे। तो उसमें भी हमारी हेल्प जो है नोफल वेलफेयर सोसाइटी ने की है रिपन से। ज़्यादातर उन्होंने हमारे जो घास दाने का जो है 4 महीने 5 महीने जो भी हमारे कमरे में लगे, तो उन्होंने ही हमारी हेल्प की। घास से लेके दाना से लेके हमारे परिवार तक उन्होंने ही हमारे को राशन पानी दिया। तो अब नगर निगम हमारे से बोलती है, आप बंदे रखो या 1,25,000 रुपए दो। तो सर यहाँ पे रोटी खाने के लाले हैं, तो हम सरकार को कहाँ से, कमेटी को कहाँ से पैसे देंगे? हमारे पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। कल 100 रुपये कमाया है, तो 100 रुपये में घोड़ी का खर्चा हो जाएगा, या मेरा हो जाएगा, या मेरे परिवार का हो जाएगा। तो अब कहाँ से बंदे लाएं और कहाँ से बंदे रखें? इससे पहले जब बंदे ही नहीं थे हमारे पास, ना हमने रखे थे, गवर्नमेंट के बंदे थे, तो गवर्नमेंट के ही इम्प्लाईज हमारे पास काम करते थे। क्या डिमांड करते हैं आप सरकार से? डिमांड तो हम ही करते हैं, जैसे हमारा काम चल रहा था वैसे ही चलने दें। पता नहीं 4 साल है 6 साल है 8 साल है 2 साल है, क्योंकि काम जो है कम ही होता जा रहा है, बिल्कुल नील बटा नील हो रहा है। जो काम पहले थे वो आज नहीं है। और महंगाई का दौरान जो महंगाई पहले नहीं थी, तो हमारे घोड़े पल जाते थे, परिवार का पालन पोषण बढ़िया होता था। अब जो महंगाई का दौरान देखो, महंगाई में हम 80-85 रुपए किलो घोड़े के लिए चना ले रहे हैं, तो 9 रुपए 9.5 रुपए किलो तूड़ी ले रहे हैं, और इसमें जो है घास आता है 20 रुपए 22 रुपए बिंडा हम घास का ले रहे हैं। तो एक घोड़ी का 400-500 रुपए खर्चा डेली का है। तो हम घोड़े के पैसे दें कि कमेटी वालों, अपने पैसे अपने परिवार को पालें कि कमेटी को पैसा दें कि बंदे रखें? अब हम सरकार से ही गुजारिश करते हैं, जैसे भी है हमारा विचार जो है ध्यान में रखें, और जैसे ही हम चलते आए हैं वैसे ही हमारे को चलने दे। हम सरकार से ही गुजारिश करते हैं। सर, कमिश्नर साहब से तो बातचीत यही हुई थी कि वो बोल रहे थे कि आप 1 मई से जो है आप अपने लीद के लिए घोड़े रखें, बंदे रखें, घोड़ों पे जो लीद करता है घोड़ा उस पर, मतलब अपने बंदे रखें, या अगर निगम के ही कर्मचारी अगर लीद उठाएंगे तो उसके लिए मतलब आपको 1,25,000 पर मंथ का जो पे करना पड़ेगा। तो सर अब आप ही बताओ कि अब देख लो घोड़ों का, मतलब अप्रैल 1 साल तो जैसे तैसे बिता लिया सर, कोविड-19 की जो पहली लहर थी वो बिता ली सर, अब दूसरा साल भी चल पड़ा है वैसा ही, कहाँ से खिलाएंगे इनको? कोई समझ नहीं आ रहा है, अभी इतनी दिक्कतें हैं सर। 400-500 रुपये तो मतलब डेली नॉर्मल खर्चा जो हो रहा है 400 से 500 तक का है सर। तो ऐसे हालातों में हम सर इनका पेट भर नहीं सकते, अपना पेट तो दूर की बात है, हम MC को कहाँ से पे करेंगे सर?
क्या मांग करते हैं आप प्रशासन? इतने सालों से सर, अब जब MC उठा रही है सर लीड, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी कि आप ब्रिज पे और जो घोड़े वाले लीड उठाएंगे इतने गरीब आदमी सर। अब खुद के मुंह से भी शर्म लगती है बोलने में कि MC हमें ये कह रही है सर। क्या बोले, उनके अंडर ये चलती हैं घोड़ियाँ। अगर लाइसेंस थी 350 थी तो 500 तक बढ़ा दी सर, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। तो क्या मांग हमारे पास तो और कोई चारा नहीं है सर, हम जैसे चलते हैं वैसे चलते रहेंगे आगे भी। और 350 से 500 कर दी थी, हम वही दे सकते हैं सर, वो भी बड़ी मुश्किल से देंगे दे सकते हैं सर। बाकी और हमारे पास कोई चारा नहीं है और कुछ करने का। बाकी हमने ये भी बोला कि चलो आप बंद ही करवा दो घोड़ों को, तो उन्होंने बोला वो आपकी हाइट एक है, आपने बंद करने तो कर दो। हम बंद भी कैसे करेंगे सर, खाएंगे क्या, परिवार को क्या खिलाएंगे। मेरा नाम ग्रामदीन है जी, 35-36 साल से घोड़े का काम कर रहा हूँ। हमारे लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से एक दिन कमिश्नर साहब ने बुलाया हुआ है, उन्होंने कहा कि आप जो है घोड़े के लिए या तो अपना कर्मचारी रखें या हमें 1,25,000 रुपये पर मंथ का दिया करें। तो हमने उनको कहा कि जी हमारे पास इतनी कवायद तो नहीं है कि हम आपके लिए 1,25,000 रुपये दे सकें, क्योंकि पिछली मीटिंग में हमारे से तय किया गया था कि आप सिर्फ घोड़े के लाइसेंस की फीस दिया करना, उसको बढ़ाओ। वो हमने 350 रुपये से 500 रुपये कर दी थी, तो उसने उन्होंने पास की या ना की उसके बारे में तो हमें पता नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा कि आप इसके आगे आपने कोई पैसे नहीं देने, लेकिन अब हमें ये समस्या आ रही है कि आप कह रहे हैं कि या तो अपना बंदा खुद रखे या फिर कॉरपोरेशन को जो 1,25,000 रुपये दें। अब एक तो यहाँ काम तो है नहीं है, और काम ना होने की वजह से देखो सारे घोड़े खड़े हैं, और ये कोरोना का दौर चला हुआ बुरी तरह से, भूखे प्यासे कोई पैसा कमा के नहीं जा रहा है। तो कॉरपोरेशन को पैसा कहाँ से दिया हम, जब कहीं गुजारा नहीं हो रहा है। जी तो क्या निश्चित किया है आपने कि आप अपने लोग यहाँ पे रखेंगे या फिर सरकार को पैसा देंगे? हम ये चाहते हैं कि जैसे पहले चले हुए थे वैसे ही चले, ना जाने कितने दिन का ये काम है कितने दिन का नहीं है, क्योंकि तो बीमारी बहुत भयंकर चली हुई है, इससे बचना मुश्किल हो गया हुआ। लेकिन हमें ये सोचते हैं कि जिस तरह से हम पहले चले हुए और जो दो रोटी कमा रहे हैं, इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो अपनी जिम्मेदारी समझ के हमको ये दो पैसे कमा कर और बड़े बच्चों को पालन पोषण कर। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से कि क्या किया जाए? हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से हम पहले चले हुए थे इस तरह से ही चलते रहें, और हमारे लिए अब तो और इधर उधर जाना तो सब जगह बंद है, यही क्रीज बचा हुआ और जाखू मंदिर जाते हैं कहीं कभार, कहीं साल में या 6 महीने में एक आधी सवारी कहीं होटल में जाने के लिए मिलेगी तो वो भी हम आगे जाके बिठाते हैं। बाकी ऐसी कोई परमानेंट सवारी नहीं है कि जो होटलों में जा रही है अब या आ रही है। पहले तो स्कूल के बच्चे जो भी होते थे होटलों में जाते थे घोड़े, स्कूल के बच्चे घुमाते थे, ऐसे ऐसे लंबी राइड पर जाते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि चारों तरफ गाड़ियाँ चली है, सिर्फ यही बचा हुआ है करीब जहाँ हम अपना माड़ा मोटा पालन पोषण करते हैं बच्चों का। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे, भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब।